हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। इस YouTube वीडियो के माध्यम से आज हम एनालिसिस करेंगे वेदांता की एनालिसिस करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉकों में सबसे लो पी वाला स्टॉक में वेदांता दिख रहा है। आपके स्क्रीन के सामने है वेदांता का जो पी है अभी 3.27 के आसपास है, और स्टॉक में फंडामेंटली प्रोमोटर के पास 50% होल्डिंग है, और बुक वैल्यू भी बहुत अच्छा खासा अट्रैक्टिव है। लेकिन क्या ये टेक्निकली ब्रेकआउट लेवल क्या है जिसके बेसिस पे ख़रीदा जा सकता है, और ऑलरेडी ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है या कैसा चल रहा है, उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। तो ओवरऑल क्लोजिंग जो हुई है वेदांता की 77.40 पैसे, और 20 डीमा जो है उसके 79 रुपीज़ है, मीन्स कि 20 डीमा के लेवल को ब्रेक कर चुका है, 50 डीमा के नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, 200 डीमा और 100 डीमा ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले वीक में और आने वाले डे ट्रेडिंग में, मीन्स कल के ट्रेडिंग सेशन में 76 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो 74 रुपीज़ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, बाउंस आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लेवल टूटेगा और वीकली बेसिस पर 74.80 पैसे के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो ये हफ्ता इस स्टॉक के लिए अच्छा नहीं होगा। ऊपर 79.92 ये क्लोजिंग बेसिस पे कल के ट्रेडिंग सेशन में देखना होगा कि क्या 80 रुपये के ऊपर क्लोज कर रहा है। अगर 80 रुपीज़ के ऊपर क्लोज करता है तो इसमें एक ब्रेकआउट देखा जा सकता है, जो कि इस स्टॉक को 84 रुपीज़ तक लेके जा सकता है। तो 80 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले होगा। डेली बेसिस पे कल के सेशन में 81 के ऊपर चलेगा तो कहीं ना कहीं 80 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी, फिर इस स्टॉक में 4 रुपये की तेजी आएगी, लेकिन ओवरऑल पोजिशनली ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहा है, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये क्लोजली वॉच करना है कि ये ब्रेकआउट के ऊपर बंद होगा वीकली या नीचे। ओवरऑल देखा ये जा रहा है कि ऊपर ब्रेकआउट मंथली लेवल पे 86 रुपीज़ के ऊपर है और मंथली ब्रेकडाउन 73.80 पैसे के नीचे है, तो अभी इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, तो इट्स मीन्स आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ऊपर भी जाएगा तो कहीं ना कहीं 85-86 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, और नीचे 73.80 पैसे के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर इस स्टॉक में पुराने लो के आसपास ये स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है एज फॉर एनालिसिस। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि कहीं ना कहीं ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक हैं जो अट्रैक्टिव ईपीएस और पीई के बेसिस पे बाइंग बनता है, लेकिन इनको टेक्निकली वीकली और मंथली बेसिस पे सपोर्ट ढूंढ के ही बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ऐसे केवल पीई के बेसिस पे अगर बाई करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में लॉस करेंगे, लॉन्ग टर्म में भी आपको प्रॉफिट हो, लेकिन कितना डाउन साइड, उसमें कितना पेन बाकी रहेगा, ये कहना मुश्किल है। तो इसी तरीके की एनालिसिस को फॉलो करने के लिए आप हमारे इस चैनल के सारे वीडियो को देखा कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रखते हैं, अपने मतलब की चीज़ें देखते हैं, लेकिन बहुत सारी स्टडी में कहीं ना कहीं हर चीज़ का स्टडी होता है जो कि आपका मतलब का नहीं होने के बाद भी आपका लर्निंग का हिस्सा बन सकता है। तो लाइक करके कमेंट करके बताएं, और इसी तरीके से निफ्टी 50 के जो अदर स्टॉक हैं जो और भी अट्रैक्टिव लेवल पे हैं, उनको कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, उनकी भी एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल इस स्टॉक का समरी ये निकल के आया है, जो कि मैं एजुकेशनल व्यू दे रहा हूँ, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है। इस स्टॉक का व्यू ओवरऑल ये निकल के आया है कि 52 वीक लो जो 60 रुपीज़ के आसपास गया था, इस स्टॉक को जो लोग बाई करना चाहते हैं उन लोगों को वेट एंड वॉच करना चाहिए। 66 और 64 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट ढूंढ के अपॉर्चुनिटी SIP के तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट मूव के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।